please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. तिरुवनंतपुरम में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच राज्यपाल ने भी मुख्यमंत्री और राज्य के डीजीपी को बुलाकर मामले की जानकारी ली। इस बीच पथानमथिट्टा जिले में एक आरएसएस कार्यकर्ता और कुछ अज्ञात लोगों ने उस पर हमला कर दिया। इस मामले को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर सफाई देते हुए केरल पुलिस जांच में पक्षपात के आरोपों से साफ इनकार करते दिख रही है। There was no much of untoward incident in the Hartal time. There is nothing to panic. अमेरिका की मिसाइल डिफेंस एजेंसी ने अलास्का में मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम थार का सफल परीक्षण किया। अमेरिका इस मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम को दक्षिण कोरिया में लगाना चाहता है। 2 दिन पहले ही उत्तर कोरिया ने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। साथ ही अमेरिका को परमाणु हमले की धमकी भी दी थी। इसी के बाद अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए दक्षिण कोरिया में ये सिस्टम लगाना चाहता है। अमेरिका की मिसाइल डिफेंस एजेंसी ने इस टेस्ट को पूरी तरह से सफल पाया है। तो अमेरिका ने अलास्का में ये सफल परीक्षण किया। टकराव के बाद ये स्थिति उत्पन्न हुई जब अमेरिका ने सोचा कि ऐसी स्थिति में इस मिसाइल का वहां पर लगाना जरूरी है। इसके लिए परीक्षण किया गया। अमेरिका की मिसाइल डिफेंस एजेंसी ने इस टेस्ट को पूरी तरह से सफल बताया और अब उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है इसको लगाने के लिए।